से जुड़े मामले में इंदौर हाईकोर्ट में लगी तीन अलग अलग याचिकाओं के मामले में सुरक्षित रखे गए फैसले पर आज हाईकोर्ट ने दिग्विजय सिंह की याचिका पर फैसले देते हुए उनके द्वारा हाईकोर्ट की अभिरक्षा में जमा कराई गई हार्ड डिस्क को हार्ड कोर्ट रजिस्टर द्वारा सील बंद लिफाफे में SIT को सौंपा, जिसे SIT की टीम द्वारा अन्य साक्ष्यों के साथ हैदराबाद की फोरेंसिक लैब परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। शेष दोनों याचिकाओं पर फरवरी माह के दूसरे सप्ताह की तारीख में सुनवाई है। वहीं मीडिया ट्रायल को लेकर लगी हरभजन सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट ने कोई जवाब नहीं दिया है, यानी किसी भी तरह की खबर पर हाईकोर्ट द्वारा कोई रोक नहीं लगाई गई है। सर, आज दिग्विजय सिंह की जो एक एप्लीकेशन आपने लगी थी, क्या हुआ? हाईकोर्ट ने क्या ऑर्डर किया? हाईकोर्ट ने जो आदेश किया है उसके अनुसार हार्ड डिस्क को SIT की जो एक सदस्य है रुचिवर्धन मिश्र, उनको सील करके दी है कि इसे फॉरेंसिक लैब में भेज करके इसकी भी रिपोर्ट अलग से बुलाई पेश करो। और फॉरेंसिक लैब में ऑलरेडी इन्होंने भी दिए हैं, तो दोनों फॉरेंसिक रिपोर्ट की दोनों रिपोर्ट अलग अलग आई है। और इसकी रिपोर्ट के आधार पर यदि एडिट नहीं हुई है, करप्ट नहीं हुई है, तो जो अधिकारी उसमें शामिल है उनके खिलाफ हाईकोर्ट क्रिमिनल केस चलाने के लिए आदेश दे सकती है। अच्छा, एक और एप्लीकेशन लगी थी आपने लगाई थी अपनी तरफ से, उसमें क्या हुआ है? नहीं, मैंने अपनी तरफ से नहीं लगाई थी। मेरी तरफ से जो एप्लीकेशन थी वो हार्ड डिस्क के साथ थी, और उसमें ये कहा था कि ये हार्ड डिस्क SIT ने का कंपाइलेशन है, जितना भी उन्होंने एविडेंस कलेक्ट किया वो कंपाइलेशन स्टेट गवर्नमेंट को भेजा था, उसकी ये कॉपी लीक होकर के आई है। और जो सोर्स है वो लोकस्वामी है, और इसलिए उसको सुरक्षित रखने के लिए पेश करते हैं। हाईकोर्ट ने उसे सुरक्षित फॉरेंसिक लैब के लिए भेज दिया। सर, मीडिया ट्रायल को लेकर कोई बात? मीडिया ट्रायल को लेकर के दिग्विजय सिंह के केस में ही हरभजन सिंह ने एप्लीकेशन लगाई थी, परंतु हाईकोर्ट ने हरभजन सिंह की एप्लीकेशन पर स्टेट गवर्नमेंट का रिप्लाई के लिए उसे रख दिया है, और उस पर कोई आदेश पास नहीं किया। जो भी कोई आदेश होगा रिप्लाई के बाद 10 फरवरी को जब नेक्स्ट पेशी है उस दिन होगा। मीडिया पर या अखबारों पर किसी पर भी हाईकोर्ट ने कोई पाबंदी नहीं लगाई।